ऐसा हम क्या करें कि हमें दिल्ली एयरपोर्ट से वापस ना भेजा जाए बहुत बुरा लगता है जब किसी को दिल्ली एयरपोर्ट से वापस भेजा जाता है पर्सनली मुझे भी अगर जैसे आके क्लाइंट पूछते हैं कि सर ऐसे से हमारे साथ हुआ तो मुझे उनके लिए बहुत बुरा लगता है तो मैं कभी नहीं चाहता कि कोई भी मेरा क्लाइंट तो कभी वापिस ना आए मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि जो भी बंदा जा रहा है हम उसकी पूरी तैयारी करवा के भेजते हैं अब बात आती है कि दिल्ली एयरपोर्ट से आपको वापिस ना भेजा जाए उसके लिए आपने क्या करना है फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज आप किसी भी कंसल्टेंट से अगर वीजा अप्लाई करवा रहे हैं तो पहली मेन चीज ये होनी चाहिए कि आपको उसको बोलना है कि सर मेरे डॉक्यूमेंट लगाए जाए प्लेंट को मतलब यानी कि आपको भी इसमें अलर्ट होना पड़ेगा आपने वो आपने ये काम नहीं करना कि सर आप अपनी मतलब कि ये लो पासपोर्ट येलो, येलो और मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड और जो लगाना लगा दो अगर ऐसा करोगे फिर सर डेफिनेटली आपको दिल्ली एयरपोर्ट से वापस भेजा जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी अपनी प्रोफाइल होनी चाहिए चाहे जॉब चाहे बिजनेस चाहे जो भी आप काम करते हो सेकेंडरी आपकी बैंक स्टेटमेंट लगनी चाहिए उसमें यह नहीं कि फंड शो करवाए जाए इससे भी प्रॉब्लम आती है इसलिए आपने अपने फंड आपके पैसे होने चाहिए आपकी बैंक स्टेटमेंट में आपके अपने पैसे होने चाहिए चाहे तीन चार महीने रुक के वीजा अप्लाई करो थर्डली जब आपका ये दो चीजें क्लियर हैं आपने डॉक्यूमेंट दे दिए बंदे ने वीजा अप्लाई कर दिया आपका वीजा आ गया अब जब वीजा आ गया तो उसके बाद आपने उससे बैठ के बात करनी कि सर मेरा एप्लीकेशन फॉर्म फैमिली फॉर्म और आप मेरा ट्रैवल प्लान जो भी चीज़ें आपने सर लगाई थी वो काइंडली मुझे भी शेयर कीजिए मुझे प्रॉपर गाइड कीजिए ताकि मुझे दिल्ली एयरपोर्ट जाके वहाँ ऐसी क्वेश्चनिंग ना हो जाए जिसके जिसका मेरे पास जवाब ही ना हो और चौथी चीज फेक स्पॉन्सर से आपने बचना है मार्केट में बहुत लोग है वो कहते हैं हम स्पॉन्सर मंगवा देंगे आपका वीजा आ जाए। वो करते हैं है, है। तो अगर आपका वीजा गलती से आ भी गया तो क्या होगा वो तो आपसे पैसे ले लेगा लेकिन आपको आप जब वहां दिल्ली एयरपोर्ट पे जाओगे पूछेंगे आपको किसने बुलाया सर आप बोलोगे जी मिस्टर सोवें सो बुलाया वो कहेंगे अच्छा उनका आईडी कार्ड दिखाओ एड्रेस मोबाइल नंबर हमारी बात करवा दो क्या करोगे आप उस टाइम तो उसका वीजा आपका इनएक्टिव कर दिया जाएगा और आपकी हाई कमीशन में इंटरव्यू होगी रिजेक्ट आपको मतलब कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा सो काइंडली ऐसे काम मत करो यह आपको टोटली और टोटली सब नुकसान पहुंचाएंगे जेनुअन डॉक्यूमेंट्स रखो जेनुअन बैंक बैलेंस रखो और जिस किसी भी कंसल्टेंट से काम करवा रहे हो फाइलिंग का उसके बाद उस, उस कंसल्टेंट के पास बैठ के प्रॉपर समझो कि उसने आपके बारे में क्या लिखा था वेरी सिंपल अगर आपने स्पॉन्सरशिप मंगवानी है तो आप खुद अपने रिलेटिव से मंगवा लो उसमें कोई इशू नहीं आपको पता तो हो ना कि आपको है। so, गलत तरीके से अपना वीजा अप्लाई मत करो अगर इन चीजों का ध्यान रखोगे देन इट्स गुड अगर दूसरी बात आती है चलो आप उससे सब कुछ समझा दिया आपको दैट्स वेरी गुड अब आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने एयरपोर्ट पे फर्स्ट इज टिकट आने जाने की वो कंफर्म होनी चाहिए आपकी और जितने टाइम का लिखा उतने टाइम का ये ना हो गया आपने फॉर्म में लिखा कि मैंने दस दिन के लिए जाना और टिकट आप लेके जा रहे हो एक महीने की वो भी गलत है सेकेंडरी होटल बुकिंग्स होटल्स ये नहीं करने की पांच दिन के होटल बुक कर लिए चार दिन का बाकी का हम जाके देखेंगे वो काम नहीं करना अगर दस दिन की टिकट ले रहे हो तो दस दिन का ही होटल बुक करो काइंडली हाँ होटल एक या दो बुक कर सकते हो उसमें कोई इशू नहीं है बुकिंग हुई होनी चाहिए थर्डली डॉलर साथ में लेके जाओ डॉलर्स का बिल साथ में लो फोर्थ ट्रैवल प्लान अगर आप होटल uh, बुकिंग में जा रहे हो तो फिर आपके पास ट्रेवल प्लान भी होना चाहिए कि मैंने दस दिन कैसे कैसे घूमना है अब अगर आपकी आई हुई है फिर कोई इशू नहीं है फिर स्पॉन्सर जो कर रहा है उसका पासपोर्ट उसका एड्रेस फोन नंबर वो आपके पास चीजें होनी चाहिए देन उस उस केस में ट्रैवल प्लान नहीं चाहिए सो so, मेन जो मैं चीज समझाना चाहता हूँ वो ये है कि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आपकी फाइल में क्या क्या लिखा गया था That's, अगर आपको ये पता है फिर कोई भी इशू नहीं है एंड बी कॉन्फिडेंट दिल्ली एयरपोर्ट पर नर्वस मत हुआ कर थैंक यू सो मच और अगर आप लोगों ने हमसे वीजा अप्लाई करवाना है आप दिए गए नंबर पर कॉल करके मीटिंग जो होती है हमारी मीटिंग डे एवरी सैटरडे को उसके लिए अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे मुलाकात कर सकते हैं वीजा हाँ को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया